गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर विद समथिंग एक्स्ट्रा सम्स डिपेंड्स ऑन जेई। ओके, तो आपका जो ये चैप्टर है ना, वो थोड़े पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, डिग्री एंड रेडियन रिलेटेड वर्क किया था। ओके, तो डिग्री एंड रेडियन रिलेटेड जो वर्क था उसमें, और जो डिग्री और रेडियन का डिफरेंस है उसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स निकल के बाहर आते हैं। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। अब हमें इतना पता है कि हम जो यूनिक सर्कल बना रहे हैं उस पे ही सारे पॉइंट्स राउंड एंड राउंड करते हैं, लेकिन अगर हमें डिसाइड करना है कि हाउ मैनी राउंड्स कंप्लीटेड, तो अगर आपको रेडियन में गिवन है, डिग्री में गिवन है, तो आप इजीली कर लोगे। लाइक हमने जो सम किए थे कि -17 10 degree 1710 degree, अगर ऐसा आपको पूछा है तो आप इजीली काउंट कर लोगे कि कितने सर्कल मूव्स हुए हैं। कैसे? डिवाइड बाय 360। ठीक है, डिवाइड बाय, मैंने आपको क्या बोला था, देखो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो 360 से 2 मल्टीप्लाई करो, दैट इज 720, फिर 360 इंटू 3 करो तो आपको मिलेगा 1040, फिर सॉरी 1080, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, यू विल गेट 1440। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हर बार हम इतना पूरा काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे डायरेक्ट नंबर ऑफ हैंड चाहिए, आई वॉन्ट डायरेक्ट नंबर ऑफ हैंड की मतलब कितने सर्कल्स कंप्लीट हुए, सो दैट इज अ फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला फॉर थीटा एंड एन, वैसे इक्वेशन आपका ऐसे बनता है कि थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस अल्फा, जहाँ पे आपका n क्या होगा, n बिलोंग्स टू z होगा, एंड अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन फर्स्ट टर्म, इन फर्स्ट सर्कल। ठीक है, अगर मेरा पहला सर्कल कंप्लीट हुआ, दैट इज योर अल्फा, 0 and 2 pi के बिटवीन। तो यहीं से हमें फॉर्मूला मिलता है n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 pi। देखिए अभी मैंने क्या किया था, 360 से डिवाइड किया था। अब हर बार परफेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, अगर मैं 360 से डिवाइड करूंगी सो माय आंसर शुड बी इन पॉइंट डेसिमल साइन। ओके, तो वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज योर इंटीजर पार्ट फंक्शन, दिस इज योर इंटीजर, चलिए पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैम ये कैसे वर्क करता है, तो अब देखते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ सेम थीटा, सपोज पॉजिटिव ले रही हूँ, चलिए पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, डजंट मैटर। एंड तो नंबर ऑफ सर्कल्स है, कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज योर एन। तो एन तो नंबर ऑफ सर्कल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। अगर पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। सो यहाँ पे इफ आई वॉन्ट टू फाइंड नंबर ऑफ सर्कल्स, तो यहाँ पे वन, किसी के पास कैलसी है, फटाफट से काउंट करो व्हाट इज द आंसर इन डेसिमल। फोर पॉइंट सेवन फाइव इज योर आंसर इन डेसिमल पॉइंट्स। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ पे लाइ करता है, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन, 4.75 है तो मतलब लाइज बिटवीन 4 and 5। सो व्हाट इज योर आंसर, कम ऑन, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हाट इज योर आंसर, स्मॉलेस्ट वैल्यू 4। तो मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ थीटा, पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगी, फर्स्ट सर्कल 360, सेकेंड सर्कल 720, थर्ड सर्कल 1080, फोर्थ सर्कल 1440। अब आगे बढ़ा, यहाँ पे समवेयर 4.75 है ना, सो समवेयर हियर इट इज कंप्लीटेड। ओके, तो
तो कंप्लीट सर्कल कितने हुए, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, सो 1, 2, 3 एंड 4, 4 सर्कल्स आर कंप्लीटेड। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है, उसमें नहीं जाते हैं। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी सर्कल्स आर कंप्लीटेड। अगर आपको पूछा है हाउ मैनी सर्कल्स आर कंप्लीटेड, सो 4 सर्कल्स आर कंप्लीटेड। ओके, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, एन इक्वल टू, बस इतना ही सोचो कि अगर 1710 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 360 करेंगे, तो मुझे जो आंसर है वो सॉल्यूशन में इजी रहेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एन। तो एन मतलब आपका नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल, तो वहां पे मैं इंटीजर नहीं ले सकती, सॉरी डेसिमल नहीं ले सकती, सो आई हैव टू टेक इंटीजर। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, एन इक्वल टू थीटा अपॉन 2π। अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिखे, यू कैन सॉल्व इट दिस वे। चलिए इससे रिलेटेड 2-3 सम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ देन एन इक्वल टू व्हाट। नंबर टू, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π 2π। ओके, मतलब थीटा आपका 0 to 2π में ही है, एंड ये भी आपको गिवन है 2n π प्लस अल्फा, देन एन मतलब कितना, बोलो एनी आइडिया। थीटा 0 to 2π में ही है, मतलब अल्फा जहां पे है वहीं पे थीटा है, सो व्हाट इज योर एन, व्हाट इज योर एन, बोलिए। सर्कल एक भी कंप्लीट होगा, एक भी सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, मतलब आपका आंसर आएगा 0, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा बोला है थीटा बिलोंग्स टू 2π to 4π, तो आपका कौन सा सर्कल आएगा, देन एन इक्वल टू क्या हुआ, थीटा, वन सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया, अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2π से स्टार्ट हुआ, 4π पे कंप्लीट हुआ, मतलब आपका एक सर्कल कंप्लीट हुआ। देखिए यहां से स्टार्ट करके दिस इज कंप्लीटेड, थीटा इज बिटवीन, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, यहीं पे कहीं पे है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सो एन क्या होगा आपका, और समझ में आ रहा है, अगर 0 to 2π में है तो एक भी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सोचो मैं बिटवीन 0 to 2π कहीं पे भी घूम रही हूँ, तो नथिंग, नो सर्कल इज कंप्लीटेड येट, तो मतलब एन इक्वल टू 0 आएगा। अगर 2π to 4π में है, मतलब 2π को क्रॉस कर दिया, तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ओके, अगर थीटा आपको ऐसा दे दे, थीटा इज इक्वल टू 19π/4, चलिए तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये हमने सॉल्व किया है गाइस, 4 का मल्टीपल नियर बाय, बोलिए आएगा क्या, आएगा आएगा 20, 20 आएगा। ओके, यहाँ पे मैं 20 ले लूँ, देखना 20 माइनस पाई बाय 4, तो ये हो गया मेरा 5π - π/4। अब 5π कैसे आएगा, मुझे राउंड करना है, 0 से स्टार्ट हुआ, ये हो गया मेरा 2π, दिस इज 3π, 4π, 5π - π/6, सो समवेयर हियर, तो सर्कल कितने कंप्लीट हुए, देखिए 1 एंड 2, हाउ मेनी सर्कल्स आर कंप्लीटेड, 2। ओके, सो -π/4 आएगा, हाँ π/4, हाँ, तो यहाँ पे 2 सर्कल्स आर कंप्लीटेड। और अगर यही चीज मुझे इससे करनी है, तो देखिए क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू क्या है, 19π/4 इंटू 2π होगा, देखिए π कट करिए, 19π/8, 8 2 16, सिंपल 2 point something आएगा, योर n इज देयर, यस 2.3375, ओके चलेगा 2.7, सो योर आंसर इज 2। समझ में आया हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ सर्कल पूछा है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं,
ओके, ऐसा ही कुछ है फिर से। यस बेटा, यस बोलो सर। वहाँ पे 0 to 2π में, 2π में अगर क्लोज इंटरवल रखेंगे तो बेटा सेम पॉइंट है ना सेकंड वाले में, क्या हो गया? देखो 0 एंड 2π बोथ आर सेम पॉइंट, तो आप 0 रखो 2π रखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 to 2π, दोनों रखने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि सेम पॉइंट है। सर्कल कंप्लीट मतलब क्या? सर्कल कंप्लीट मतलब क्या? अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने ले लिया, ठीक है? ये वाला पॉइंट अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये पॉइंट तो मैंने ले लिया, तो वो 0 है आपका। फिर यहां पे कंप्लीट हुआ तो 0 लेने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है फिर से, ठीक है? दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक 2π। 0 पे से स्टार्ट हुआ है, 2π पे स्टॉप हुआ, तो 0 एंड 2π इज द सेम सिमिलर पॉइंट, 10 cos 1 sin 0, ठीक है? तो दोनों सेम पॉइंट है तो लेने का कोई मतलब नहीं है, या तो 0 ले लो या फिर 2π ले लो। 0 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वहां से हमने स्टार्ट किया है। ओके ओके, चलिए आपको वन मोर पॉइंट इज गिवन, पी इक्वल टू -107π/5, देन दिस इज योर पी अल्फा। तो अब मुझे ये वाला सोचना है, व्हाट इज अल्फा, क्या बचेगा? तो यहां पे मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगी? अब मुझे एन फाइंड नहीं करना है, अब मुझे अल्फा सोचना है। तो ये जो हम सिंप्लीफिकेशन दे रहे थे वैसे सोचेंगे, एन भी फाइंड कर लेंगे। चलिए बोलिए, तो क्या करेंगे? -107π/5 है, माइनस को तो चलो बाहर रख लेते हैं, 5 का मल्टीपल कौन सा होगा? यस 105 प्लस 2π/5, 107 ही है ना, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी हो। बोलिए क्या होगा 105/5? 21 क्या होगा? 21। ओके, तो ये हो जाएगा -21π। 21 तो नहीं चलेगा ना गाइस, हमें सर्कल पता नहीं चलेंगे कितने सर्कल है, तो 21 इज डजंट वर्क। चलिए कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव साइन भी निकल जाए और एग्जैक्ट सर्कल भी पता चले। अगर मैं -110π+3π रखूं तो चलेगा? क्यों मैंने ये लिया? बिकॉज मेरा इवन नंबर आएगा तो मुझे कंप्लीट सर्कल कितने हैं वो भी पता चल जाएगा, है ना? क्या किया मैंने? यस बेटा, 103 ले सकते हैं। 103 क्यों लोगे? इज इट डिविजिबल बाय 5? इज इट डिविजिबल बाय 5? यस मैम। 103 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 ना बेटा। चलिए यहां पे क्या होगा? -22π+3π/5, तो ये मेरा कितना सर्कल कंप्लीट हो गया? बोलिए -22 मतलब आई कैन राइट 11 × -2π+3π/5, तो मेरे 11 सर्कल कंप्लीट हो गए। 22 ही है ना, 22 आएगा ना? यस 100 में 20, 105 में 21, यस। तो ये मेरे 11 सर्कल इन नेगेटिव डायरेक्शन में कंप्लीट हो गए, है ना? कंप्लीट हो गए ना? यस और नॉट? सोचिए सोचिए, मैं ऊपर का रफ कर रही हूं, आप सोचिए मेरे 11 सर्कल कंप्लीट हो गए, यस और नो? जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। चलिए मैंने थोड़ा सा नंबर बड़ा ले लिया। ओके, अल्फा मिल गया हमें, दैट इज फाइनल। अल्फा कितना है मेरा?
अगर मुझे पी ऑफ अल्फा फाइंड करना है, सो अल्फा इज 3π/5, ये मेरा क्लियर हो गया। ओके अब हम एन फाइंड करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। क्या है थीटा? -107π/5 इंटू 2π, तो लिखना ही है। चलिए करिए पाई पाई कट, -107/10। बोलिए क्या होगा? 10.7 माइनस 10.7, सो इट इज लाई बिटवीन माइनस टेन टू नाइन के -11 to -10, ये सही है कि ये सही है? बोलिए विच वन इज परफेक्ट? ऊपर वाला सही है ना? ओके okay. यस बेटा, क्या दिस वन इज परफेक्ट? ओके ये तो नहीं पॉसिबल है। चलिए सो कितने सर्कल कंप्लीट होंगे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -11। ओके माइनस नहीं लिखना है, हमें प्लस ही लिखना है, तो यहाँ पे माइनस में क्या गड़बड़ हो रही है पता है? आंसर इज नॉट इलेवन सर्कल। अगर आपका अल्फा 0 to 2π में है लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो आपको एक और डिक्रीज करना पड़ेगा। आप सिचुएशन क्या हो रही है देखिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए हाँ एकदम ध्यान से। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव में मुझे 11 सर्कल्स कंप्लीट करने हैं। ओके 1 2 3 4 कितने हो गए? 1 2 3 4। ओके सपोज ये 11 वाला सर्कल है ना, तो यहाँ पे हो गया -22π। अब मुझे क्या करना है? सपोज ये मेरे 11 सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गए, अब मुझे क्या करना है? +3π/5। तो प्लस मतलब नीचे जाना, वापस नीचे जाना है। यस वापिस नीचे जाना है, मतलब ये सर्कल तो कंप्लीट नहीं हुआ जो हमने सोच रखा था कि 11 सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो वो सर्कल तो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कितने सर्कल कंप्लीट हुए? 10। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो डोंट पुट नेगेटिव साइन, आपको नेगेटिव साइन नहीं लेनी है और आपको आंसर 10 लिखना है। थीटा पॉजिटिव होगा, आपको यही सोचना है, अगर नेगेटिव है फिर भी आपको साइन नेगेटिव नहीं लेनी है, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ओके समझ में आया? क्या हुआ, हमने नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट किया था लेकिन वापस हमें क्या करना पड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो मतलब जो सर्कल कंप्लीट हुआ था हमने रफ कर दिया, हम पीछे गए वापस, ठीक है? सो सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, 11 सर्कल इज नॉट कंप्लीटेड, सो योर आंसर इज 10 अगर आपको नंबर ऑफ सर्कल पूछा है तो। ओके तो क्या करना है, थीटा आपको नेगेटिव नहीं लेना है। समझ में आया ना? यस। ओके चलिए ये सब मैं अब रफ कर रही हूँ, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द न्यू कॉन्सेप्ट। वैसे न्यू नहीं है, हमने एक सम किया था साइन 1 डिग्री एंड साइन 1 रेडियन, वो वाला सम हमने किया था ना, तो वैसे ही थोड़े बहुत सम ले रहे हैं। ओके अगर डिग्री और रेडियन है तो यू कैन कंपेयर, अगर सिर्फ रेडियन है दोनों तरफ तो आपको पाई से कंपेयर करना है, पाई मतलब आपको पता है 3.14, ठीक है? अगर 1 डिग्री है 1 रेडियन है तो आपको पाई मतलब 180 सोचना है। अगर कौन सा नंबर है, नंबर कंटिन्यू नहीं हो तो गाइस आप कंप्लीट कर लेना। साइन 2 एंड साइन 5, अगर मुझे बीच में साइन पुट करनी है इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन और नन ऑफ देम, अगर मुझे बीच में साइन पुट करनी है लेस इनइक्वालिटी कुछ भी है क्या है वो सोचना है अगर मुझे, तो क्या हो सकता है? दैट इज आई हैव टू थिंक।
चलिए, तो टू मतलब यहाँ पे डिग्री नहीं है, यहाँ पे रेडियन है, सो आई एम थिंकिंग दैट पाई इज 3.14, पाई इज 3.14, तो आप सोचो 2 इज लेस देन 3.14, यस, पाई बाय 2 कितना होगा, बोलिए पाई बाय 2 कितना होगा, 1.57, तो ये मेरा पाई बाय 2 से पाई के बीच में वैल्यू है, 2 मतलब क्या, बिटवीन पाई बाई टू एंड पाई, समझ में आ रहा है, सिर्फ रेडियन है दोनों तरफ, तो मैं कंपेयर भी पाई के साथ ही कर रही हूँ, पाई मतलब 3.14 एंड पाई बाई टू मतलब 1.57, मतलब साइन टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन टू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ रहा है। अब साइन फाइव के बारे में सोचते हैं, फाइव कहाँ लाई करेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, पाई तो 3.14 है, 3 पाई बाई 2 क्या होगा, चलिए फटाफट से 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9.42, 3 पाई बाई 2 मतलब 9.42 बाई 2, यस, तो ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट हो जाएगी 4 पॉइंट समथिंग, यस 4.71, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन फाइव नहीं है, साइन फाइव थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है, पाई है आपका 3.14, गाइस देखिए मैं रेडियन में वैल्यू लिख रही हूँ, फर्स्ट मतलब जीरो, यहाँ पे हो गया 1.57, यहाँ पे हो गया 3.14, व्हाट इज हियर 4.71, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस 6.28, है ना, देखिए मैंने वैल्यूज ही लिखी है, क्या है 0, दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 1.57, दिस इज पाई, पाई मतलब 3.14, दिस इज 3 पाई बाई 2, 4.71, ये हो गया आपका 6.28, ओके, तो मतलब साइन 5 कहाँ लाइक कर रहा है, बोलिए साइन 5 लाइज हियर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, देखो 3 पाई बाय 2 लेस देन 5 लेस देन 2 पाई, है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.71 लेस देन 5 लेस देन 6.28, मीनिंग साइन 5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन 5 क्या है, लेस देन 0 है, अब सोचो साइन 2 ग्रेटर देन 0 है, साइन 5 लेस देन 0 है, बोलिए व्हाट इज द साइन, व्हाट इज द साइन, बोलिए साइन 2 ग्रेटर होगा ना, क्योंकि ये तो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर, दिस इज योर नेगेटिव नंबर एंड दिस इज योर पॉजिटिव नंबर, तो 0 ऑब्वियसली ग्रेट देन पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, समझ में आया, समझ में आया, ऐसे आपको कोई भी मेजरमेंट पूछे, चलिए एक्स्ट्रा सोचो, कॉस 2 एंड कॉस 5 वैल्यूज आर रेडी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, देखिए वैल्यू रेडी है आपका, 2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कॉस 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है, लेस देन 0, कॉस 2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट लेस देन 0, कॉस 5 क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, बोलिए फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है, सो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, समझ में आया, बी ओपन, यस, ओके, वैसे ही अगर 10 पूछा हो तो चलिए फटाफट से 10 2 10 5, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 लेस देन 0 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 10 लेस देन 0 है, ठीक है, लेकिन 10 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेस देन, है ना, ऑलवेज इक्वल कब लेंगे, यस बेटा इक्वल कब होगा, क्या बोल रहे हो, इक्वल कब होगा, इक्वल इक्वल तो नहीं होगा ना, वैल्यूज डिफरेंट है ना, वो भी सोचना पड़ेगा कहाँ पे इक्वल होगा, दैट इज
चलिए वन मोर थिंग, हमने साइन के लिए किया था, अब कॉस के लिए सोचते हैं। नंबर 7, विच इज अमोंग द दिस वन इज ट्रू, विच इज ट्रू। ऑप्शन 1, कॉस 1 इज लेस देन कॉस 1 डिग्री इज लेस देन कॉस 1। बी, कॉस 1 इज लेस देन कॉस 1 डिग्री। सी, इक्वल। एंड डी, कॉस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू कॉस 1 डिग्री। चलिए कौन सा ट्रू है सोचिए। ये 1 मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब कितना, यहां से 1.57 है ना, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। ये आपका 1 रेडियन है एंड दिस इज योर 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री है, 360 पार्ट ऑफ द सर्कल। बोलिए, साइन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, व्हाई? ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। साइन अगर होगा तो ऑप्शन ए, कॉस में क्या है बेटा, जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे बढ़ेगा ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग फंक्शन। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 से 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये बिगर होगा देन दिस, सो ऑप्शन बी इज परफेक्ट बिकॉज कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, सो कॉस 1 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 1 रेडियन। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें अगर, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो कॉस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके यहाँ से 1 से 0 पे पहुँच जाएगा। ओके, चलिए, सो एक काम करो, सो विच इज अमंग दिस इज ट्रू, ये प्रूव करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली 161 एंड 171 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कहीं पे अप्रोक्सीमेटली यहीं पे कहीं पे होगा। अब 10 तो यहाँ पे लेस देन गिवन है, 10 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो मतलब अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो आपका काम वहीं पे खत्म। 10 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ऐसा गिवन है तो दैट इज ट्रू, मतलब ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया बिकॉज यहाँ पे लेस देन है। अब कॉट के बारे में कहे तो बोलिए, इंक्रीजिंग कॉट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, यस, तो दैट इज ट्रू। अब आंसर हम चेक करेंगे, इट कैन बी मोर देन 1 ट्रू, तो मतलब बी ऑप्शन तो ट्रू है। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है गाइस, सोचो, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे क्या है -1 0, तो 1 से 0 हो रहा है, साइन इज डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए हर एक में क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, साइन इज डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग, तो वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी आपकी वो वैल्यू लेस होगी, तो 71 इज लेस देन 161, है ना। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, 2 इज बिगर एंड 4 इज स्मॉलर। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि 2 पे से मैं 4 पे गई तो वैल्यू आपकी डाउन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज डिक्रीजिंग, तो मतलब ये वैल्यू स्मॉलर होगी एंड दिस वैल्यू इज बिगर। चलिए कॉस कैसा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए कॉस भी डिक्रीजिंग है, 0 से -1 हो रहा है, तो वो भी डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, कॉस 171 इज लेस देन कॉस 161। देखिए यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो फंक्शन इज नॉट चेंजिंग हियर, 10 है तो मैंने 10 ही लिखा है, कॉट इज ऑन द बोथ साइड, इफ यू वांट टू कंपेयर यू मस्ट हैव सेम फंक्शन। देखिए हमने साइन 2 लिखा तो साइन 5 लिखा, 10 2 लिखा तो 10 5 लिखा, ठीक है, तो आपको क्या सोचना है कि फंक्शन मस्ट बी सेम, अगर डिफरेंट फंक्शन है तो वो आपका ऑप्शन ही नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, किसके लिए कंपेयर कर सकते हैं,
जो वैल्यूज हमें पता है पाई बाई टू, पाई बाई फोर, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, जीरो, वैसी वैल्यूज के लिए यू कैन कंपेयर, अदरवाइज अगर ऐसी वैल्यूज गिवन है तो यू कैन नॉट कंपेयर, ठीक है। और अगर कंपेयर करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे? आपकी समझ बहुत पावरफुल होनी चाहिए। सपोज ये आपका 161 है, ये आपका, अगर ये मैं समझा रही हूँ समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये आपका 161 है, ये आपका 171 है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। सपोज ये आपका 61 है, ये 71 है, दिस इज योर 61। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, कॉस इज डिक्रीजिंग एंड साइन इज इंक्रीजिंग, है ना। तो कॉस जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉस की वैल्यू घटेगी, कॉस 61 इज लेस देन कॉस 71, सॉरी कॉस 61 इज ग्रेटर देन कॉस 61 इज ग्रेटर देन कॉस 71, है ना। और साइन में क्या हो रहा है, साइन इंक्रीजिंग है, तो साइन 61 इज लेस देन साइन 71। अब दोनों सेम कहाँ पे हो रहे हैं, एट 45, साइन 45 कॉस 45, साइन 45 एंड कॉस 45। किसी ने मुझे पूछा था मैम इक्वल टू कब आएगा, तो साइन 45 एंड कॉस पाई बाई फोर पे आपका इक्वल टू हो सकता है अगर दोनों चेंज फंक्शन है तो, ठीक है। सो साइन 45 एंड कॉस 45 आर सेम। अब क्या हो रहा है, कॉस को मैं इंक्रीज कर रही हूँ 71, तो वो तो बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कॉस 71 डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। और साइन क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साइन तो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर 71 को कंपेयर करना है तो ये बेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे देखिए 0 to 45 में कॉस बिगर है, 45 to 90 में साइन बिगर है, तो अगर ऐसे कंपेयर करना है सो साइन 71 इज ग्रेटर देन कॉस 71। और अगर उल्टा है, साइन 17 है कॉस 17 है, तो देखिए वैल्यू क्या है, 45 से लेस है, वैल्यू इज लेस देन 45, तो 45 से लेस में कॉस इज बिगर वन, ओके। सो एट 45 यू कैन कंपेयर, दोनों वैल्यू 45 से बड़ी है सो साइन इज बिगर, दोनों वैल्यूज 45 से लेसर है सो कॉस इज बिगर। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन ऑलवेज बिगर, वाई, बिकॉज साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो कोई भी वैल्यू, सेम वैल्यू आपको दे दी, सपोज साइन 161 एंड कॉस 161, तो अभी जो हमने सोचा था ना वैसे ही सोचना है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज लेस देन जीरो, मतलब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हो गई, ओके, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? वैसे आप जैसे जैसे वीडियोस देखोगे, जितनी बार वीडियो देखोगे कुछ नया और समझ में आएगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, किसी को डाउट नहीं है, सो शुड आई रफ? चलिए और कुछ नया और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं एटमॉस्फेयर लाइट कर लेती हूँ। अब आपको गिवन है सपोज कुछ ऐसा कि इफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है गाइस, इक्वल टू वन है, इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, चलिए 3 लेते हैं, 1 के लिए भी थोड़ा सोचेंगे। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू, अगर मेरा 3 गिवन है, अगर मुझे 3 गिवन है और कॉस की वैल्यू मुझे पूछी है, व्हाट इज कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3, व्हाट इज दैट, तो इन दैट केस यू हैव टू डायरेक्टली कंपेयर दिस, और कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, तो एक चीज मुझे डेफिनेटली पता है कि साइन का, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन, साइन की रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ठीक है।
तो सबको मैं वन 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 दे दूं, वाई बिकॉज वन से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, सपोज साइन थीटा टू टू है और साइन थीटा थ्री आपका जीरो हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने सबको दे दी, ये शॉर्टकट है फॉर एम सी क्यू ओनली, ओके। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा वन दैट इज वन, सिमिलरली साइन थीटा टू एंड साइन थीटा थ्री। अब थीटा वन वन है, कब वन होता है, एट पाई बाई टू, एट पाई बाई टू, तो कॉस थीटा वन क्या होगा, कॉस थीटा वन क्या होगा, कॉस पाई बाई टू दैट इज जीरो। तो सिमिलरली कॉस थीटा टू एंड कॉस थीटा थ्री भी आपका जीरो होगा, मैंने डायरेक्ट कंपेयर किया, ये सम आप डायरेक्टली सोचिए तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा कि अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ साइन थीटा वन इज इक्वल टू वन, तो साइन थीटा टू भी वन होगा, साइन थीटा थ्री भी वन होगा। वन मतलब कहाँ साइन वन होता है, एट पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे तो कॉस तो भाई जीरो है। कोई ऐसे सोच रहा है कि मैम फाइव पाई बाई टू पे भी होगा, तो वहाँ पे भी कॉस तो जीरो ही है, तो मुझे क्या करना है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, बोलिए जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, आंसर इज जीरो, यस। चलिए, एक गलती से मैंने कुछ ले लिया था, इफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री इक्वल टू वन है, देन व्हाट इज योर कॉस वैल्यू, व्हाट इज योर कॉस वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक को ही वन से कंपेयर करूंगी, दूसरा मैं जीरो प्लस जीरो लिखूंगी फॉर माय बेटरमेंट, मुझे जल्दी से आंसर मिल जाए, दैट्स व्हाई। अगर आप वैल्यूज चेंज करोगे ना तो भी आंसर तो यही मिलेगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री, मैंने वन प्लस जीरो लिख लिया, चलेगा, बोलिए। तो साइन थीटा वन इक्वल टू वन, तो थीटा वन क्या मिला मुझे, साइन की वैल्यू वन कहाँ पे, एट पाई बाई टू। चलिए, जीरो कहाँ पे होगा, जीरो पे, फिर से जीरो, थीटा थ्री भी जीरो। अब कॉस वैल्यू सोचिए, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री, तो कॉस पाई बाई टू प्लस कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज वन, आंसर इज टू। तो आप मिलाने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि अगर तीन थीटा है, वी हैव थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री, तो आंसर कंबाइन आंसर आपका थ्री होना चाहिए। सपोज फोर थीटाज आर देयर, तो कंबाइन आंसर फोर होना चाहिए, लाइक दिस। अगर आपके पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू अप टू साइन थीटा एन है, तो दोनों का मिला के आपका आंसर इन जनरल क्या होना चाहिए गाइस, दोनों का मिला के कंबाइन आंसर एन होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे एन माइनस वन गिवन है, तो यहाँ पे वन आएगा, इफ देर इज एन माइनस वन तो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे आपको वन गिवन है तो यहाँ पे एन माइनस आएगा, ओके। ऐसे आप कंबाइन करने के लिए बोल सकते हैं, ओके, समझ में आया, यस और नो टीचर, यस यस मैम, बोलिए, यस टीचर, जीरो डिग्री के बदले, टीचर जीरो डिग्री के बदले टीचर हम पाई लिखे तो, पाई लिखो तो भी चले, पाई लिखोगे तो कैसे चलेगा बेटा, वहां माइनस वन तो आएगा ना, एज्यूम, ओके, आपको क्वाड्रेंट आपको एज्यूम करके चलना है कि ऑल आर इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मैंने क्या बोला आपको कि आपको एज्यूम करना है कि वैल्यूज आपकी मिनिमम एफर्ट में कैसे मिल जाए, अगर आप पाई एज्यूम करोगे तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस आपका साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू यहाँ पे क्या सीन होगा, हाँ यहाँ पे चेंज हो सकता है, जीरो जीरो है तो मैं थीटा जीरो भी ले सकती हूँ, पाई भी ले सकती हूँ, यस, तो माइनस टू आंसर भी हो सकता है। इन दैट केस आपको ऑप्शंस देखने हैं, आपको ऑप्शंस देखने हैं, अगर माइनस टू गिवन है तो वहाँ पे उन्होंने पाई लिया होगा, अगर माइनस टू गिवन है आंसर में, दोनों में से एक ही होगा है ना, तो अगर आंसर में माइनस टू है सो यू शुड टेक थीटा इक्वल टू पाई,
थीटा थ्री इक्वल टू बी पाई। ओके, आपको आंसर कैसे गिवन होंगे? हाँ, वो लोग सेफ साइड रख के चलेंगे। आप अगर थीटा टू इक्वल टू पाई ले रहे हो, थीटा टू इक्वल थीटा थ्री इक्वल टू जीरो ले रहे हो, तो जीरो भी आंसर आ सकता है। तो आपको सेफ साइड रख के चलना है। वो लोग आंसर कैसे देंगे पता है? वन टू थ्री फोर। तो इधर आपका आंसर जीरो आएगा, या फिर माइनस टू आएगा, या फिर प्लस टू आएगा। ओके, आप ये पॉसिबिलिटी भी ले सकते हो। यस डेफिनेटली, लेकिन अब तक हमने कभी नहीं सोचा कि आप पाई भी ले सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ यहीं पे खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप देखोगे तो यस यू कैन टेक थीटा थीटा टू इक्वल टू पाई भी ले सकते हो, थीटा थ्री जीरो लोगे तो भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है। तो यहां पे क्या होगा? कॉस पाई बाई टू जीरो, कॉस पाई माइनस वन, कॉस जीरो वन, तो प्लस माइनस वन जीरो। यहां पे क्या होगा? दोनों माइनस वन, तो आंसर माइनस टू। सो इन दैट केस योर आंसर इज जीरो, इन दिस केस योर आंसर इज माइनस टू। आप ऐसे भी सोच सकते हो। राइट, किसने बोला था? वेरी गुड बेटा, किसने पूछा ये? शुभम। शुभम, ओके। बेरा, दाल वाला? दाल वाला। ओके, वेरी गुड बेटा, नाइस थॉट, मैंने अब तक नहीं सोचा था। सो रियली वेरी गुड।